मैं श्री सदर टेस्ट गार्डन रिवर्स बोल रही हूँ। दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये गेंदी है जो मेरे सूख गई थी तो मैंने छींट दिए थे, तो देखिए ये पौधे बन गए और मैंने इसमें लगा दिया। छोटे छोटे थे तो आज इसको लगाए 10 दिन हो गए, इतने इतने हो गए थे तब मैंने लगाया था। देखिए इसमें कलियाँ भी बनने लगी, गर्मी है तो इनकी ये ग्रोथ जल्दी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, इनको हमें धूप से बचाना चाहिए और पानी देना चाहिए, सैंडी सोल होना चाहिए कि पानी रुके ना, मिट्टी गीली रहे लेकिन पानी इसमें ठहरे ना। अब ये भी गेंदा का ये जम रहा है, ये छींट दिए हैं, इधर भी ये जम रहा पौधा, इसी तरह इसमें मैंने लगाया है और कई सारे पौधे लगाए हैं। और ये देखिए मैंने जेट प्लांट सिर्फ पत्ती से लगाया था, तो देखिए आज ये तो नहीं है जेट प्लांट, ये ऐसी भाजी, ये फूल का पौधा जमा है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, पर ये जेट प्लांट, ये देखिए ये पाँच छः पौधे बन गए, एक ये, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच छः पौधे ये तैयार हो गए, सिर्फ पत्तियों से मैंने बनाया था, इसको लगाया था। और देखिए मेरी भिंडी, ये देखिए बीज डाले थे तो ये तैयार हो गई भिंडी। ये मेरा ये कद्दू निकल रहा है, जबकि ये और ये मैंने साथ में ही लगाया था, तो ये करेला के ये पौधे निकल आए हैं, ये भी ये छोटा सा निकल रहा है और ये भी कद्दू के ही हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ ये तरबूज बोया था, वाटरमेलन, तो ये देखिए इतने बड़े ये पौधे हो गए ये, और ये तरोई के पौधे हैं ये, साथ में मैंने इसके भी बीज डाले थे, ये तरोई के हैं और ये वाटरमेलन के हैं। ये देखिए तैयार हो गए ये पौधे, तो इनको मैंने ये इतनी और रखती है कि पानी मिट्टी गीली रहे, पौधे मरे ना, तो मैंने ये पैरा डाल दिया था, जो ये राइस का पौधे होते हैं उसको मैंने डाला था कि इसकी नमी बनी रहे, ढक दिया। अब ये बड़े पौधे हैं, धूप सह सकते हैं, फिर भी मैं ढके रहती हूँ। और ये वही फूल का पौधा जमा हुआ है, और ये मेरे टमाटर जल गए हैं जो ये इतने हरे भरे थे, ये एकदम डायरेक्ट सनलाइट लगती है, मैं कोई छाया नहीं बना पाई थी सुबह से लेकर पूरी शाम तक। तो अभी जो ये एक हफ्ते पहले ये धूप पड़ी है, ये अभी होली के पहले से इतनी कड़ी धूप पड़ने लगी, लग रहा जैसे अप्रैल की गर्मी है, तो ये हाल हो गए। तो ये मेरी लाल भाजी, ये 20 दिन की हो गई, देखिए ये भी ग्रोथ कर रही है बहुत अच्छी, इसमें भी पानी हम डालते रहते हैं, ये गर्मी वाली भाजी है, पर सुबह शाम पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता, नहीं तो ये बहुत नाजुक पौधे कुम्हला जाते हैं एकदम से। और इसी तरह मैंने ये हरी भाजी लगाई हुई, देखिए ये हरी भाजी, ये भी ये गर्मी ही वाली भाजी है, इसमें भी पानी का हम ध्यान रखते हैं, इसको अभी शेड में रखा है, बस सुबह की 2-3 घंटे की 2 घंटे की धूप लगती है बस, क्योंकि अभी ये नाजुक पौधे हैं, धूप सहन नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटे हैं, जैसे बड़े होंगे तो फिर फुल सनलाइट में हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों ये मेरे खीरे का पौधा हो गया है ये रेडी, ये जो बीज अंकुरण करके मैंने आपको वीडियो पहले शेयर किया था, उन्हीं में से ये अंकुरित मैंने लगा दिया था, आज शायद ही लगभग 1.5 माह के हो गए, मैंने देखा नहीं, 1.5 माह से तो नहीं है पर ज़्यादा, 1 माह से ऊपर के हैं, 1.5 माह के पहले के हैं ये, तो ये अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई। अब इनको सहारे की ज़रूरत है, तो मैं मिट्टी और डालूंगी, फर्टिलाइजर मिला के और छड़ी इसमें लगाऊंगी जिससे ये और ग्रोथ कर सके। और देखिए इसमें बेल निकलने लगी है ये, तो अब इनको सहारे की ज़रूरत है, मैं अभी होली में बिजी थी, इनको 3-4 दिन पहले ही लगा देना चाहिए। और ये मैंने देखी ये प्लांट लगाया था, ये इससे कई सारे प्लांट बनते हैं, तो देखिए इनमें बीज रहे होंगे, मैं वो गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ, तो ये टमाटर के पौधे निकले हैं, मैं नहीं निकाली, इनको ट्रांसप्लांट कर दूंगी, शायद ये गर्मी में मुझे कुछ फल दे सके, ये अच्छे बड़े बड़े हो गए हैं, या कि देखते हैं क्या होता है। ये बरबटी मैंने लगाई थी, ये बरबटी भी मेरी तैयार होगी, 5 पौधे लगाए थे तो ये 1, 2, 3 पौधे सूख गए हैं, 2 पौधे सक्सेज हैं, 2-3 पौधे उधर लगे हुए हैं। और ये मैंने ये नर्सरी से लाया था ये गुलाब का पौधा, और इधर ये मैं छाया बना के रखी हूँ, ये मेरा ये लौकी, और इधर ये मेरी ये तरोई, ये अब ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है, मैं इसमें कल फर्टिलाइजर डालूंगी, और इसके पहले भी 1 हफ्ता पहले हमने फर्टिलाइजर डाला था इसमें 4-5 दिन पहले, तो उतनी सही ग्रोथ नहीं लग रही है, आज इसमें फंगीसाइड डालूंगी, ऐसा लगता है जैसे पत्ता में फंगस लग गया, इसीलिए इसका प्रभाव पड़ रहा है, ग्रोथ रुकी हुई है। तो और छाया का मैंने इसमें लकड़ी लगा के, ये देखिए मेरा ये खरबूजा लगा हुआ, छोटा वाला खरबूजा, खरबूजा कहते हैं क्या कहते हैं, और ये मेरा कद्दू लगा हुआ है, ये इसमें भी मैं लकड़ी का सहारा लगाऊंगी। और इधर देखिए मैंने पालक बोया है, तो अभी ये छोटी है, ये ग्रोथ कर रही है, कल की जो वीडियो मैंने बनाया था पालक हार्वेस्ट कर ली, अभी उसमें से 2-3 बार हार्वेस्ट करूंगी, तब तक ये तैयार हो जाएगी मेरी पालक। आज मैं धनिया भी बोऊंगी,
तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा।